हेलो फ्रेंड, यश पंचाल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ बहुत ही प्राचीन हिंगलाज माँ का मंदिर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे आपको नजदीक में एक तालाब दिख रहा है, और तालाब के बिल्कुल वो उस तरफ कोने में एक मंदिर छोटा सा दिख रहा है। वो हिंगलाज माँ का मंदिर है, और इसका जो इतिहास है मैं पूरा वहाँ जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा। और हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हमारा नर्मदा नदी का कैनाल भी यहाँ पे है। इसका जो ये सड़क है इनके बिल्कुल ये किनारे आता है, और ये बहुत ही अंदर जंगल में है। तो दोस्तों, अभी हम बिल्कुल सड़क के किनारे हैं, और यहीं सड़क से हमें आगे जाके दाएं हाथ पर मोड़ जाना है, तो हम वहाँ पे मंदिर पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, ये हिंगलाज माता जी के मंदिर का गेट है, और आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ में जंगली है, यानी कि ये जो पूरा इलाका है फॉरेस्ट का इलाका है। तो चलिए अंदर चलते हैं। का इतिहास पूरा मैं वहां पे जाके आपको दिखाने के बाद पूरा बताऊंगा। और इसकी इस साइड में एक तालाब है जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है, क्योंकि नर्मदा का कैनाल बिल्कुल साइड में ही है। क्योंकि नर्मदा कैनाल बाद में निकला था यहाँ पे, उससे पहले से ये स्थान जो है यहाँ पे मौजूद ही है। और इस स्थान को कम से कम 500-700 साल के ऊपर का समय हो चुका है। और यहाँ पे कुछ दो रूम बनाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसका जो छप्पर है वो भी अभी भी वो विलाती जो बोलते हैं नड़िया है इसके ऊपर लगा हुआ। हम गुजराती में लोग नड़िया बोलते हैं। ये तालाब है, और ये जो मूल मंदिर जो मैं आपको दिखाने इधर आया हूँ। तो दोस्तों, इसका मंदिर का द्वार मैंने खोल दिया है, और बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने माता जी का मूर्ति है, तो इनका दर्शन हम करते हैं। और साथ में एक मेरा दोस्त भी आया हुआ है। दोस्तों, अब जाते हैं मुख्य मंदिर के दर्शन करने, जहाँ पे बलूचिस्तान से लाके यहाँ पे ज्योत रखी गई है। तो जो हमें आते समय सीढ़िया चढ़ी थी, ये सीढ़िया हमें वापस उतर जानी है। और इसके बाद इस साइड में एक पेड़ है, ये वाला। इस पेड़ के बिल्कुल पीछे की साइड में मुख्य मंदिर है, जो एक चट्टान के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। क्योंकि जब ज्योत रखी तो यहाँ पे कोई मंदिर था ही नहीं। तो ये चट्टान के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य मंदिर है, जहाँ पे चारण भक्त ने ज्योत को रखी थी। और एक इसके अंदर एक मूर्ति है, और एक साथ में ये आप देख सकते हैं त्रिशूल भी है। तो ये मुख्य मंदिर है दोस्तों। और इसके बाद जो मंदिर बना था ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला, ये निर्माण हुआ था। और एक बड़ी चट्टान है,
और ये चट्टान के बिल्कुल नीचे ही ज्योत को रखी गई थी और तब से ये मंदिर यहाँ पे मौजूद है, कम से कम 700 साल से। और एक यहाँ पे पत्थर का शेर भी है जिसको माता जी का वाहन बोला जाता है। तो दोस्तों, मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर तकरीबन 700 साल पुराना है लोकवायिका के हिसाब से। जब हमारा भारत और पाकिस्तान एक था और अंग्रेज भी नहीं थे, उस वक्त का ये बना हुआ है। तो दोस्तों, ये मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पिपला करके गांव है और पिपला गांव में सबसे ज़्यादा चारण ज्ञाति के घर है। और चारण ज्ञाति में कोई एक भक्त था जो यहाँ से हर साल चल के बलूचिस्तान हिंगलाज माता के दर्शन पर जाता था। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई और शरीर इनका थोड़ा कमज़ोर होने लगा और शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो आखिरी वक्त में यहाँ से जब ये गए तब निर्धार करके गए थे कि जब मैं आखिरी वक्त जाऊँगा तो वहाँ से मैं हिंगलाज माता का ज्योत लेके आऊँगा। और वो ज्योत लेके यहाँ पे आए और उस वक्त यहाँ पे इन्होंने स्थापना किया था, उस वक्त का मंदिर ये बना हुआ है। पाकिस्तान के राज्य बलूचिस्तान हिंगलाज माता के मंदिर के बाद एक यही मंदिर है जो पूरे भारत में, जो गुजरात में स्थित है। और तकरीबन इनका लोकवायिका के हिसाब से ये 700 साल पुराना मंदिर है। तो दोस्तों, आपको कहीं से भी अगर आना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका गाइडेंस मैं आपको पूरा दूंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं। और एक पूरा लोकेशन दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल नज़दीक में तालाब है और तालाब के इस साइड में नर्मदा नदी का कैनाल है। और ये पूरा जो इलाका है वो जंगल इलाका है। तो कभी भी आप आइएगा तो रात में यहाँ पे मत आइएगा। अगर रात में आते हैं तो कहीं सुरेंद्रनगर है या तो मोरबी है या तो आप धांगध्रा में गेस्ट हाउस में नाइट तो रुक सकते हैं। इसके बाद आप दिन में कभी भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो इसकी पत्थर में सीढ़ियाँ बनी हुई है और हमारा दोस्त तो पहले से ही चला गया है। और पूरा तालाब खिंचोखिंच भरा हुआ है। यहाँ पे कभी कभी चरवाहे मिल जाते हैं। तो जो मैंने आते समय आपको कहा कि चरवाहे भी यहाँ पे है, तो ये भाई चरवाहे है और ये यहाँ के ही वतनी है। तो इनके पूछते हैं जरा हम कि कैसे यहाँ पे ज्योत लाया गया था और किस प्रकार से यहाँ पे स्थापना हुआ था। तो भाई बताइए आप। ओ आची पाकिस्तान में जेला हमारा गाम चारण। હા, અહીંયા જઈને માતાજી ને કીધેલું કે મારી હવે હું હાલી શકતો નહીં, હું ઠીક હે, અને મને પડે બહુ શેટું, તો અહીંયાથી માતાજી તો અમારા દેશમાં આવે, તો અહીંયાથી માતાજી આવેલા પણ પાછા પગે આવેલા અને કીધેલું પાછું વરીને જોઈ જઈશ તો મારું અહીંયા બેસણું થઈ જાય છે, એટલે અમારા ગામના સીમાડે આવ્યા, એટલે માતાજી ને એવું થયું કે ગામમાં જવું નથી, તો હવે અહીંયા ઘૂઘરા બંધ થઈ ગયા, ઘૂઘરા વાગતા હતી, એટલે ચારણે પાછું વરીને જોયેલું માતાજી બેસી ગયા, તો મારી કે હવે તો મેં તને ના પાડી હતી કે અહીંયા પાછું વરીને તું જોઈશ મારું બેસણું થઈ જાય છે, તો કે ગામ માં બરોબર, તો કે હવે ગામમાં આવું નથી મારે, તો કે ધાર ઉપર હાલ, તો કે ધાર ઉપર આવું ખરી, પણ ગામમાં ને તો કીધું તું કોઈનું નિશાન આપતો કે પાણીમાં દીવો કર્યો, એટલે દીવો થયો એટલે માતાજી નું નિશાન, પછી ધાર ઉપર આયા બિરાજી। તો ઇનકા કહેને કા મતલબ હે કે જબ બલુચિસ્તાન સે લાયે ગયે
तो उल्टे पैर से ये चल के आए थे, जो ये चारण कोई बड़े बुजुर्ग थे वो लाए थे यहाँ पे उल्टे पैर से चल के, और यहाँ पे इनका स्थापना किया था ज्योत का। तो इनका कहना ऐसा है कि उल्टे पैर से चल के आए थे। और कोई?